हिमाचल की हवा इतनी सुंदर है ना, इतनी प्यारी है कि मैं क्या ही बताऊं। अच्छा 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 चलो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक्चुअली बहुत दिनों के व्लॉग नहीं डाला मैंने, दैट इज बिकॉज अभी नए घर में शिफ्ट हुए हम लोग और बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम। अभी भगवान की दुआ से सब सॉर्ट आउट हो गया है। ये जो हॉल है वो खाली है, यहाँ पर अभी तक कुछ लाई नहीं है, खाली चाहिए हमें, थोड़ा रिलैक्स वाला फेज आएगा। आज फाइनली मैं दो साल से ज़्यादा हो गए आई थिंक, आई एम गोइंग टू माई होम टाउन हिमाचल प्रदेश धर्मशाला फाइनली। अभी तो कांगड़ा जाऊँगा, फिर कल शायद हम लोग धर्मशाला जाएंगे। तो मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। इट्स लाइक भाई कब से मैं वेट कर रहा था, मतलब अपने करियर को लेके मैं सब सॉर्ट आउट, मतलब डिले करते रह रहा था। फिर अभी शादी हो गई, उसके बाद डिले हुआ, अब फाइनली जाना है। तो एक अच्छा ट्रिप है, मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन का होगा, फिर वापस आना पड़ेगा क्योंकि आई एम प्लानिंग टू लाइक गो बैक ऑन शिप। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा एक ये वाला बैग है एंड एक मेरा ये पिटी बैग है। सो गाइस हम लोग चल चुके हैं एंड एंजॉयिंग। स्वीट रूम दे देंगे, हो जाएगा पूरा। नो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा मजा आएगा। तो गाइस हम लोग ने किया ब्लाबला और ब्लाबला में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी स्ट्रीट फूड। सो गाइस हम लोग जस्ट ऊना पहुंचने वाले हैं, एक ब्रेक लिया है ना, तेरे से एक ले लूंगा। भाई कितना खाया भैया, थक गए पर इसका खत्म नहीं हुआ। 80 रुपए के खाए तो पर प्लेट में 4 पूरी जाता है। अनदर हॉट। एक्चुअली हम लोग ना पहाड़ों की वादियों में आ गए हैं, बट अंधेरा हो गया है, वरना इसको मैं दिखाता और मैं तो बहुत ही खुश हूँ भाई। हिमाचल की हवा इतनी सुंदर है ना, इतनी प्यारी है कि मैं क्या ही बताऊं। सांबर, अरे सांबर इनको क्या पता। डियर, डियर, डियर का एक बड़ा वर्जन होता है और सबको पता है, सब तेरे से गवार। मेरे को नहीं पता था यार, सही में तेरे केंद्रीय विद्यालय। कैसे लग रहा है आपको हमारे जन्नत में आके, मुंबई की गटर से जन्नत में आके? मुंबई को गटर बोला ना। सो गाइस फाइनली पहुंच गए कांगड़ा और टाइम कितना हो गया अभी? 10 बज गए, लेट हो गए हम लोग, बड़ा स्लो चल रहे थे वो। और मैडम जी को हम चढ़ाई चढ़ा रहे हैं, पहुंचते ही चढ़ाई कांगड़ा की माता जी की चढ़ाई। और ये भाई साहब इससे डर गए। एक्चुअली अभी कांगड़ा पूरा बंद है, ये सब मार्केट है, मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को पूरी लगती है। जो भी कैसा लग रहा है, फटी है? फटी। चलो बेटा फटाफट चलो, चलते जाओ। सो गाइस यहाँ पर मेरी मासी जी का और मेरी दीदी जी का घर है, वो मैं अभी आप लोगों को सबसे मिलाऊंगा। मैं पहले बहुत बार आता था बट मैंने कभी व्लॉग नहीं किया उन लोगों के साथ, एक दो बार किया है शायद। अभी मैं आप लोगों को मिलाता हूँ उन लोगों से, थक तो मैं भी गया हूँ, सब थक गया। आ जा। जड़ी माता दी चढ़ाई, जय माता दी। इसको रोज चढ़ानी है। आदम मैं खा लूंगा। चलो 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 चलो। आराम से आराम से, तोड़ो मत। पतलूला तुम कर दो।
मिंडी कहनी है मेरी प्यारी मिंडी। The next day. So guys, good morning. कांगड़ा में हमारी पहली मॉर्निंग है। ये देखो, ये हमारी प्यारी दीदी। हेलो दीदी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। कैसे 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 आए जाती नहीं तो बहू को ले रहे हैं ना यार, ये ना लेकर ना दे इसको। गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गो टू ब्रजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा मंदिर। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, खाली पेट जो मंदिर जा रहे हैं, पहले हम माथा टेकेंगे और फिर आएंगे। ठीक है। सो गाइस, जूबी इज इन एथनिक इंडियन लुक। ओ मैडम, चश्मा नहीं पहनते यहाँ पर। हेलो, चलो मम्मी। अब मम्मी जी हमारी पहले ही हिमाचल आ गए थे। हाय ब्यूटी, चलो तो गाइस ये है एंट्रेंस मंदिर की। अच्छा अच्छा, चला चला वो उधर पहाड़ देख, पहाड़ देख। इसको मैं पहाड़ दिखा रहा हूँ अभी, वहां पर दिख रहा है। जय माता, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जो भी यहाँ एक्सक्यूज मी नहीं होता, यहाँ पर होता है सैड हो जा वो। यहाँ हवन हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। मम्मा इसके इसके भी चूड़े जो यहाँ लटकाएंगे, इसके चूड़े हमारे टीम चेंज करते। जय माता दी दादा ही जय हो। माता के दरबार पे आए हो, कौन किसको झपटेगा? कोई किसको नहीं झपटेगा, सब दे दो। वो आ रहे हैं मतलब माता जी हैं। वाह, दोबारा एटीएम। ओ सो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग जसप्रीत कौर सोमेन? स्टॉप इन दिस प्लाजो। सो गाइस, अभी हमारा प्लान ये है कि हम लोग का यहाँ पर मोटिव था ये कि हम लोग माता के दर्शन कर लें। अभी हम लोग सब लोग मिलकर के जाएंगे धर्मशाला, जो एक्चुअल में हमारा घर है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर और मजा आएगा। ये एक्चुअली मैं पहाड़ी में थोड़ा वीक हूँ, बट जब मैं पहाड़ी बोलता हूँ ना तो फुल देसी स्टाइल में बोलता हूँ। बोल रहा वो क्या करा है दूसरा, हाँ ऐसे स्टाइल में, और बहुत मजा आता है। यहाँ पर सब लोग ऐसे बोलते हैं, आई फील गुड। बिस्तर जो है वो थोड़ा वो होता है, ब्रेकफास्ट में हमारा है वही, ये मूली के पराठे है ना, लवली। अरे आपकी मैं इतनी वीडियो बना चुका आपको मालूम भी नहीं है। यही तो ब्यूटी है मेरे इस मोबाइल की। कितनी प्रीटी लगती है पता है मार्केट में, मैं फिर ना उठाता रहता हूँ सब सामान। जीजू मेरे, नमस्ते। थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ पर हमारा एक दिन का स्टे हुआ है, एक दिन तो पूरा नहीं हुआ, और हम लोग जा रहे हैं मेरे प्यारे घर धर्मशाला।
बेचारे जूबी को ये प्रॉब्लम हो रही है नीचे। कोई बात नहीं जूबी। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं। ये जो एरिया है ये है गग्गल से ऊपर धर्मशाला का रोड। आप नीचे देखना मस्त खड है और यहाँ रोड है और वो सामने प्यारे से पहाड़ दिख रहे हैं। अभी दिखाता हूँ ना आपको जैसे पहुंचेंगे। और हम पहली बार मिस जूबी को लेके जा रहे हैं अपने धर्मशाला वाले घर में। मेरे घर में पहुंच गए हैं यहाँ पर। बट मम्मी बोलती है कि आप और रुको क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम बहू जो है वो घर में आ रही है, इसलिए थोड़ा वो करना है। क्या बोलते हैं उसको, पूजा एंड एवरीथिंग। ठीक है तो मैं तो बाहर निकल सकता हूँ। क्यों नहीं आ रहा है? बहू रानी पधारे। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं बस इतना ही लूंगा, बाकी नहीं। मैं साथ में चलो। अरे हिंदी बोलो पहाड़ी सुना अंदर तो। हाँ जी जय हो माता जी। ऊटी जट करा जट। उठाना है इसको। हाँ हाँ गिर जा रही है बेचारी। कोई नहीं कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे। चलो मम्मी एक वो हमारे टाइम पे बहुत बार हुआ है ना ये कि कौन सा पैर पहले रखना है। राइट ये राइट ये चक्रे फटे। नहीं बहू बैठी पैर बंदी ले पहले सारे देना। पहाड़ देख के पागल हो गए। बहुत मेहनत की है उसका और ये सब जो भी मिलेगा इधर जेब में मेरे। ओहो लत्ता बड़ी पीड़ा है मेरी। ठीक है ओ रोज आना फिरी जकाई लेनी यार ये तो लत्ता भी जकाई था। ए ज्यादा प्रसाद बन रहा था तू भी था है ना। बड़ा वाली जोर लगाई था वो इत्तु था। चल अब बात कर। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ धर्मशाला। धर्मशाला इसका अलग से एक व्लॉग बनाया जाएगा तगड़ा वाला। या हम खुला नहाएंगे खुले होके। दिस इज द व्यू। जो भी कैसा लग रहा है व्यू। तो गाइस एक्चुअली अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हमारा जो घर है ना वो अभी डबल टाइप हो गया है। तो ये जो ऊपर वाला घर है अभी रिसेंटली बना, मैं 3 साल के बाद आया, मुझे तो अभी पता लगा, पहले तो पता नहीं था। ये नीचे वाला घर है और अभी ऊपर आए हैं। यहाँ पर मम्मी दिखा रही है, सब मेरी मॉम की मेहनत है जो मैं देख रहा हूँ। ऑसम, आई जस्ट लव माई मॉम। मम्मी यहाँ पर ये आज हमारे लिए क्या बेड? आज यहाँ जो भी आज यहाँ पर रहेंगे। व्हाट डू यू से? मैं आशीष। ये हमारे लिए। थैंक यू जी। अरे वाह अच्छा 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 चलो कैसा लगा।
ना ब्लॉग एंड करने वाला था क्योंकि रात के 9:30 बज गए हैं, बट मेरी बहन है एक, उसने हमको एक प्यारा सरप्राइज दिया है वैलेंटाइन का, और वो ये रहा। बाहर की प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है पर मैं अभी अंधेरा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। Guys, this is something very beautiful. First time. ओए हम लोग first time कर रहे हैं ना? हम लोग इतने साल से relationship में पर first time after marriage. वो भी surprise है. ये सब surprise है. ना मैंने इसको दिया ना इसने हमें दिया. हमें भगवान ने दिया. So guys, पहले जूबी वहाँ बैठी थी तो मैंने बोला जूबी नहीं. दूर बैठने मजा नहीं है. अब पास आओ. अब आगे हमारे पास. Actually, हमारा first Valentine है और and first candlelight dinner है. First dance. And it is the best. Like after marriage, like हमने सोचा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे Valentine's Day पे, कुछ special मनाएंगे. But then थोड़ा busy रहे आज पूरा दिन. But then at the end of the day, surprise. Like, ना मैंने इसको दिया ना इसने मुझे दिया. Exactly. It was just planned by God. We can say that. That's the best feeling we can. Actually, we are living the best feeling right now. हाँ जी. ओके ओके. सो गाइस इट वाज अमेजिंग डिनर. ये भैया ने बहुत हेल्प किया हमारे. ये भैया बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच. ठीक है भैया. थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया. सो गाइस डन विद द डिनर. और हमारा जो सरप्राइज था बहुत ही प्यारा था. अभी हो रहे हैं 11:30 और बहुत ज़्यादा ठंड है. अभी हम लोग निकलेंगे घर पे धर्मशाला. एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी. सो व्लॉग यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच. हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. भाई बहन वेल विशर जो भी हैं. बाय बाय. मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग बहुत तगड़ा होने वाला है, याद रखना. कल वाले पहले वाले वीडियो बोलती थी मत करो, अब बोली करोगे. अब देखना बदलती जाएगी.